अगर आप YouTube पर हाउ टू क्रिएट फ्री वेबसाइट लिखकर सर्च करते हो तो आपके सामने ढेर सारी वीडियोस आ जाती हैं। तो जब आप उन वीडियोस को प्ले करते हो तो उनमें आपको बताया जाता है कि कैसे हम फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन उनमें आपको ये बताया जाता है कि आपको .tk, .ga, .ml इस तरह के डोमेन के साथ आपको एक फ्री वेबसाइट बनाने को वो बताते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब की और वीडियोस की तरह बताने वाला नहीं हूँ। यूट्यूब की और वीडियोस में आपको बताया जाता है freenom.com से आपको .tk, .ga, .ml के डोमेन को लेने का और किसी भी फ्री प्रोवाइडिंग होस्टिंग प्रोवाइडर्स की तरफ से एक होस्टिंग को लेकर आपको .tk वाली वेबसाइट, .ml वाली वेबसाइट बनाना आपको बताया जाता है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा .com, .net, .org, .in इस तरह के डोमेन्स के साथ आप कैसे फ्री होस्टिंग, फ्री प्रोफेशनल डोमेन के साथ अपना एक फ्री का वेबसाइट आप बना सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कैसे .com वाले डोमेन के साथ हम एक वेबसाइट बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है और ब्राउजर में आने के बाद यूआरएल में आपको टाइप करना है myrah.io। आप यहां पर देख सकते हो myrah.com आपको टाइप करके एंटर कर देना है। तो myrah.io एक ऐसा वेबसाइट है जो कि आपको फ्री में वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है। जी हाँ, फ्री डोमेन के साथ, फ्री होस्टिंग के साथ, फ्री ईमेल के साथ ये आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और ये जो डोमेन आपको प्रोवाइड करते हैं वो डोमेन होती है .com, .in, .net, .org ऐसे वाले डोमेन के साथ आपको ये एक वेबसाइट फ्री में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट ये प्रोवाइड करते हैं ये कुछ समय के लिए फ्री होती है, उसके बाद आपको थोड़ा सा अमाउंट इन्हें पे करना होगा। तो ये कितने समय के लिए आपको फ्री में वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, आप आ गए हो मेरा वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट ए फ्री वेबसाइट फॉर फ्री। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना डोमेन रजिस्टर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी डोमेन चाहिए आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर से मेरे चैनल का नेम ही सर्च कर लेता हूँ, Stay Smart YT मैंने यहाँ पर टाइप किया है। तो अगर आपका ये डोमेन अवेलेबल होगा तो यहाँ पर सर्च होकर आ जाता है आपका डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो StaySmartYT.com ये अवेलेबल है। तो मुझे सिंपली यहाँ पर से सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और जैसे ही मैं सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफियरेंस आ जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर से प्रोसीड पर क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। तो आप जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हो तो आप आ गए हो रजिस्टर पेज पर। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर टू क्रिएट योर फ्री वेबसाइट। तो यहाँ पर से आपको रजिस्टर कर लेना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर से रजिस्टर कर लेता हूँ और सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। और रजिस्टर पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ट्यूटोरियल आ गया है। हमें इसे नहीं देखना है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए बस आप समझ जाओगे। तो इसे यहाँ पर से हम कट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए ब्रांडिंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपका जो भी वेबसाइट नेम होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर से अपने वेबसाइट का नेम एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए आप अपलोड लोगो ऑप्शनल है, यहाँ पर से आप अपलोड लोगो पर क्लिक करके आप कोई भी लोगो अगर अपने वेबसाइट का लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इंडस्ट्री टाइप, यानी कि किस तरह का वेबसाइट आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी कैटेगरीज है, तो आप यहाँ पर से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर से आपको दिखाने के लिए चलिए कुछ भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बिजनेस टाइप, तो अपने वेबसाइट का आप यहाँ पर से बिजनेस टाइप दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर से कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देनी है, आपको अपना ईमेल एंटर कर देना है और यहाँ पर से आपको अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर देना है। डिटेल्स एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है।
तो आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो पेजेस सेलेक्ट पेजेस यू वांट टू इंक्लूड इन योर वेबसाइट। तो यहाँ पर से ये बोल रहा है कि जो भी पेजेस आपको चाहिए वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर से अपने वेबसाइट के पेजेस को सेलेक्ट करना है, हमें कौन कौन से पेजेस चाहिए वो हमें यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें चाहिए अबाउट सर्विस, हमें चाहिए कॉन्टैक्ट, हमें ये टेस्टिमोनियल नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर से इस तरह से रीअरेंज यहाँ पर कर सकते हो। हमें चाहिए पोर्टफोलियो, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी पेजेस आपको चाहिए वो इस तरह से रीअरेंज कर लीजिए और करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो आपके सामने कुछ थीम्स आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर से कोई भी एक थीम को सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या किसी वेबसाइट की तरह आप थीम अपने वेबसाइट पर लगाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर उस वेबसाइट का URL आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और उस वेबसाइट से रिलेटेड थीम, मतलब उस वेबसाइट पर जो थीम होगी यहाँ पर आपके वेबसाइट पर वो लग जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर से इस वाले थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का वेबसाइट जो है वो मेरा बनने वाला है। तो मैंने जो थीम सेलेक्ट की है वो कुछ इस तरह की है, तो यहाँ पर मेरा वेबसाइट कुछ इस तरह का बनेगा। तो आप पर डिपेंड करता है जिस तरह की आप थीम सेलेक्ट करोगे उस तरह का वेबसाइट का लुक आपको मिलेगा। तो थीम के हिसाब से आपको वेबसाइट आपका रेडी मिलता है। तो आपको यहाँ पर एडिट नो पर क्लिक करना है और जैसे ही आप एडिट नो पर क्लिक करते हो तो आप आ जाओगे अपने वेबसाइट के एडिटिंग सेक्शन में। तो यहाँ पर फिर से एक ट्यूटोरियल आ गया है तो हमें नहीं देखना, बस कट कर दें। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें और यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर से अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पर से कुछ इस तरह से सारे टेक्स्ट वगैरह को आप एडिट कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर से इमेजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज दिस इमेज पर क्लिक करके आप अगर कोई अपनी इमेज लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर से लाइब्रेरी में भी आपको कई सारे इमेजेस जो है वो मिल जाते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फेसबुक का जो आइकॉन नजर आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो सोशल मीडिया के सारे लिंक्स, तो आप जो भी चाहे यहाँ पर से आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपने YouTube का लिंक, तो आपको YouTube को एनेबल करना है और उसके बाद अपने चैनल वगैरह का URL आपको यहाँ पर दे देना है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अपने वेबसाइट का प्रीव्यू भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका वेबसाइट लग रहा है, तो आप यहाँ पर से सारे वो चेंजेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखिए कहाँ पर जस्ट मिनट, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो एक YouTube का आइकॉन नजर आ रहा है। अभी मैंने YouTube का चैनल लिंक किया था, YouTube लिंक किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो YouTube का लोगो। तो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सीधा मैं आ जाऊंगा अपने YouTube चैनल पर। तो उसी तरह से आप अपना सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आप वहां पर दे सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर नीचे आपका सारा वो एड्रेस, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वो सारा शो कर रहा है। तो यहाँ पर से अच्छे से एडिट करके आप एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हो। और सारी एडिटिंग कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिश, तो आपको सिंपली पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पब्लिश पर क्लिक कर देते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका वेबसाइट अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके गो पब्लिश आपको यहाँ पर से कर देना है। तो आप जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने दो प्लान्स आ गए हैं, एक है बेसिक प्लान और एक है प्राइम प्लान। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिक प्लान 4 मंथ फ्री ट्रायल, यानी कि गाइस आप जो वेबसाइट बना रहे हैं और जो आपका डोमेन होस्टिंग है वो यहाँ पर 4 मंथ्स के लिए आपको फ्री में मिलेगा, उसके बाद आपको थोड़ा अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मंथ्स हो जाने के बाद 400 रुपीज पर मंथ। तो हमें ये वाले प्लान को सेलेक्ट कर लेना है, स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक कर दीजिए और बस आपका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपका ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर ये आपको बोल रहा है विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपका जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगा।
तो गाइस यहाँ पर आपको 4 मंथ्स के लिए फ्री वेबसाइट मिल रहा है। फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन के साथ आपको 4 मंथ्स के लिए बिल्कुल फ्री वेबसाइट बना सकते हो आप अपने बिजनेस के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, या फिर अपना कुछ आप फोटोशूट वगैरह करते हो तो अपना पोर्टफोलियो बताने के लिए आप इस वेबसाइट को ट्राई कर सकते हो। अगर 4 मंथ्स तक वर्कआउट हो जाता है तो उसके बाद आप उसे पे करके मंथली 400 रुपीज देकर आप उसे यूज कर सकते हो। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आप जानना चाहते हो इस वेबसाइट पे क्या हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या हम इस पर एड्स लगा सकते हैं, क्या हम इसे मोनेटाइज कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर इस तरह का कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। वैसे मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं इसके ऊपर, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे डाउट्स वगैरह मैं करूंगा क्लियर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को देखने को मिलते रहते हैं। सो या गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।